इस तरह की स्क्रीन नजर आनी चाहिए, पता चले पार्टिसिपेंट कितने हैं। स्टार्ट वीडियो को कर दिया आपने? इज रिकॉर्डिंग ऑन? यस। In 2 minutes. 1 minute. Yes, teacher. Asking you when we start. Teacher is asking. But right now I am the only participant. Waiting for students. The show will not tell you. उन्होंने मेरे साथ टीचर है मेरे साथ कंप्यूटर जैसे मैं बायो के लिए बैठती हूँ हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कैन यू हियर मी? टू पार्टिसिपेंट्स हैं, टू पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स इसमें अली मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन इस पे अनम्यूट करें ना बच्चे को। हसन कैन यू हियर मी? यस। ओके ओके कैसे हो बेटा आप? हसन ठीक हूँ मैम। कल आप नहीं थे क्लास में, व्हाई वाज यू एब्सेंट यस्टरडे? कल नेट नहीं आ रहा था मैम। ओके आपकी तबीयत कैसी है? फ्रैक्चर बोन फ्रैक्चर? ठीक है मैम। ओके ओके वी विल वेट फॉर 1 मिनट मोर एंड देन वी विल स्टार्ट। वी विल वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स। Okay, Hasan, can you see the slide on my screen? Yes, ma'am. What is written on it? Lungs position. Yes, okay, okay. I just want to confirm. Okay, I think we should start. हसन बेटा कल हमने अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लिया था गैसियस एक्सचेंज का। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट गैसियस एक्सचेंज? यस मैम। जी बताइएगा जरा, थोड़ा सा प्रीवियस हम रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम and the exchange, how the gases are exchanged in our body. Basically कौन सी two major gases हैं जो कि exchange होंगी? Oxygen and carbon dioxide. Very good, oxygen and carbon dioxide. In this regard, firstly we study the difference in cellular respiration and breathing, simple breathing. Then we study gaseous exchange in plants. और plants में हमने we read about the anatomy of leaf. What does mean by anatomy? Anatomy का मतलब है जी, book page. Have you opened your book with you? Yes, ma'am.
बेटा पेज नंबर 3 पे जो लीफ का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इसमें सेल्स बने हुए हैं सारे. यस मैम जी. उसमें अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, स्टोमास ये सब नजर आ रहे हैं. तो ये जो पिक्चर है दिस इज द एनाटॉमी ऑफ लीफ. तो हमने इसको कल स्टडी किया था, हाउ ऑक्सीजन एंटर्स इन द टू स्टोमेटा एंड गो टू द लीफ और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. ये वाला हमने टॉपिक कल किया. इसमें 4-5 इसके ना बस लेबलिंग के पार्ट्स हैं सेल्स के, उसको देखा था. और मेजर जो एक चीज थी इसमें गैसेस एक्सचेंज की, वो ये थी कि जो यंग प्लांट्स होते हैं, यंग स्टेम्स हैं, उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा इज अ प्लूरल एंड स्टोमा इज सिंगुलर. तो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है. जबकि जो वुडी प्लांट्स होते हैं जो कि पुराने हो गए होते हैं, ओल्ड होते हैं, आप देखते भी हो ग्राउंड्स में जो प्लांट्स के बाहर एक ब्राउन कलर की सख्त सी हार्ड सी एक लेयर होती है उसके ऊपर, दैट इज नोन एज बार. होती है ना छाल सी, मोटी सी छाल होती है ब्राउन से रंग की. तो ऐसे ऐसे ट्रीज में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो स्टोमेटास के थ्रू नहीं, बल्कि जो बार्क है ना उसके ऊपर छोटे छोटे लेंटिसेल्स पड़े हुए होते हैं, सुराख होते हैं वहां से. ठीक हो गया. इसके बाद हमने एयर पैसेज वे देखा था, सॉरी ह्यूमन बींग्स में देखा था. उसमें सारा एयर पैसेज वे के सारे जो नेम्स हैं डिफरेंट पार्ट के एयर पैसेज वे का, उसके बारे में कल स्टडी किया था. कैन आई सी द पार्टिसिपेंट, इज फातिमा इज देयर? हां यस मैम. ओके ओके ओके. आई थिंक आई शुड टेक द अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके. जवेरिया वसीम एब्सेंट? यस मिस. नो देयर आई थिंक. हसन शाहिद प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट. फातिमा अमजद प्रेजेंट. ओके. मौज फातिमा राशिद अलीहा, आई थिंक दे आर नॉट इन द क्लास बिकॉज आई कैन सी द पार्टिसिपेंट्स ओनली 3 पार्टिसिपेंट्स. ओके ओके. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज लंग्स. हसन आपने बेटा ये जो है एयर पैसेज वे इसको आप रीड कर लीजिएगा. इसमें जितने okay. भी हमारी जी पार्ट्स है ना उन सब की डिटेल दी गई है कि कहाँ से हमारा एयर पैसेज वे, एयर कहाँ से एंटर होती है बॉडी में और कहाँ तक जा रही है लंग्स के एंड तक पहुँच रही है. आप इसको देख लीजिएगा. इफ यू हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट टुमारो, आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके लंग्स की तरफ चलते हैं. व्हाट आर लंग्स? ओके लंग्स आर द मेजर ऑर्गन which are executing the procedure of gases exchange. हमारी बॉडी में जो हम सांस ले रहे हैं और जो हवा एंटर होके जहाँ एंड हो रही है बॉडी के अंदर जहाँ तक पहुँच रही है वो कौन से ऑर्गन में जा रही है? लंग्स में. लंग्स जी. लंग्स आर बेसिकली वेरी स्पॉन्जी स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे जैसे स्पॉन्ज की तरह होता है, ठीक है. और हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये मौजूद किस जगह पर हैं. आप खुद में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपकी जो चेस्ट है, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं बायोलॉजी लैंग्वेज में चेस्ट को, चेस्ट के चेस्ट में जो रिब्स हैं हमारी जो पसलियाँ हैं उनमें उनके सेंटर में जो लंग्स हैं वो मौजूद हैं. यू कैन सी इन द स्लाइड में आपको करके बताती हूँ. ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ना ये पिक्चर ली हुई आपकी बुक से ही ली हुई है पिक्चर. उसमें आप देख सकते हो कि दीज आर द ये आपकी चेस्ट है, ठीक है. कैन यू सी स्टूडेंट? यस मैम. बेटा मैंने आपको म्यूट नहीं किया आवाज सो दैट आई कुड गेट योर रिस्पॉन्स, ठीक है. आप मुझे बताते जाओ. अब यहाँ पर रिब का पोर्शन आपको ये नजर आ रहा है, ये ब्राउन ये येलो शेड में जो बोन्स नजर आ रही होंगी आप, ठीक है. दीज आर रिब. ये हमारी चेस्ट का पोर्शन है बॉडी का, ठीक है. और इसमें ये रिब आप देख रहे हो, देयर आर टोटल 12 रिब. 12 ये हमारी जो है ना सीने की हड्डियां हैं रिब्स जिन्हें आप बोलते हो. और इनके अंदर ये जो रिब्स है ना ये केज की तरह बिहेव कर, जैसे पिंजरा होता है उसके अंदर ये रेड कलर का जो ऑर्गन नजर आ रहा है दिस इज लंग. ठीक हो गया. रिब्स जी. और इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन आपको नीचे नजर आएगा दैट इज नोन एज डायाफ्राम.
यहाँ पर मैं माउस से आपको शो कर रही हूँ डायफ्राम, ये भी एक कर्टन है हमारी बॉडी में, पर्दा जैसे होता है ना, कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे चेस्ट पोर्शन को और जो पेट का जो हमारा एब्डोमेन है इसको सेपरेट करता है। ठीक है, चेस्ट पोर्शन में हमारा लंग मिलेगा हमें, लंग्स, और इसके अलावा लंग्स के सेंटर में हार्ट पड़ा हुआ है। तो ये दो मेजर ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि डायफ्राम एक पर्दे का काम कर रहा है, और यहाँ पर डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल पोर्शन है जहाँ पे हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हो गया, तो ये हमारी बॉडी का मेजर ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं दोबारा लंग्स के ऊपर। लंग्स पड़े हुए हैं थोरेसिक कैविटी में और चेस्ट कैविटी में। ठीक हो गया, और जो लंग्स हैं इट हैज और इसकी जो लंग्स की बेसिकली एक तो लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है। जो लेफ्ट लंग होगा उसके टू लोब्स हैं, वो जरा स्मॉलर इन साइज होगा, छोटा होगा, लेकिन जो राइट लंग होगा उसके तीन लोब्स हैं, थ्री लोब्स हैं, और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, इट इज बिगर इन साइज। और जो लंग्स हैं वो बेसिकली बने किसके हुए हैं, एल्वियोलाइज के। कल हमने ये सारा पढ़ लिया था कि जब ये विंड पाइप है ये आगे आके डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड एंड री डिवाइड इनटू वेरी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स नोन एज एल्वियोलाइज। तो ये जो लंग्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू एल्वियोलाइज, और एल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चर, ये वो एंड पोर्शन है, वो एंड स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, और यहाँ इसी स्टेज पर ही गैसेस का एक्सचेंज होगा जहाँ पर हमें कैपिलरीज मिलेंगे। हसान आपकी पॉइंट समझ आया बेटा? यस मैम। बेटा बेसिकली ये कल के लेक्चर की ही थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट आप समझ लो कि लंग्स जो है वो एल्वियोलाइज बेसिकली एंड कहाँ हो रहे हैं, एल्वियोलाइज पर, और एल्वियोलाइज आर ग्रेप लाइक बंचेस, ऐसे जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं, और उसमें उनके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और इन कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पर मतलब आपको आर्टरीज भी नजर आएंगी और वेन्स भी नजर आएंगी, और इसी स्टेज पर आकर ब्लड में ऑक्सीजन एंटर हो जाती है, और ब्लड की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स की वेन्स में कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ब्लड की जो एक रिफाइन करने का काम है ब्लड का, वो लंग्स कर रहे हैं। लंग्स बेसिकली हमारी बॉडी में जो मेजर पोर्शन, मेजर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारे खून की सफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम यहीं से ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन एंटर होके तो जा रही है लंग्स में, अब ये ऑक्सीजन आगे ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी, ब्लड को। ठीक है, यही एक मेजर इसका जो थीम है ना लंग्स का, वो यही है कि वो हमारे ब्लड को साफ करता है, ब्लड की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ये ले लेगा। ठीक है, और वापस हवा के थ्रू हम उसको एक्सहेल कर देंगे, जितनी भी ऑक्सीजन है जो कि हमने इनहेल की होगी वो अंदर जाके कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम वापस चलते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अब आप देख सकते हो रिब की मैंने बात आपको बताई, देन देयर इज इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिब्स के ऊपर अटैच हुए हुए होते हैं, और दे आर वेरी स्ट्रेचेबल मसल्स, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है साइज, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो चेस्ट कैविटी साइज में छोटी हो जाती है, तो ये जो मसल्स हैं ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। तो इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड विद द रिब्स। उसके बाद डायफ्राम का मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज अ डायफ्राम, कोई बताएगा मुझे? मैंने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट डायफ्राम, एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव अ यस क्वेश्चन, मतलब अगर आप यस करना चाहते हो यू कैन रेज और आस्क क्वेश्चन टू मी। डायफ्राम के बारे में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ बेटा? यस मिस, हो गया। क्या हुआ है मुझे थोड़ा बताएंगे, क्योंकि बेटा मैं इस वक्त आपके बिल्कुल सामने तो नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ता है कि आपको कुछ क्लियर भी हो रहा है कि नहीं। आम
डायफ्राम इज अ कर्टन लाइक स्ट्रक्चर, एक कर्टन है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. आसान आपको समझ आ रही है बेटा? यस मैम. जी बताएंगे चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी? चेस्ट कैविटी बेटा हमारे ऊपर का सीना जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, और चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स पड़े हुए हैं और हार्ट का पोर्शन, हार्ट का ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है. कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ यू कैन यू हेयर मी? यस मैम. अच्छा तो बेटा आप फिर यस तो बोले ना ताकि मुझे क्लियर हो कि आप. आई जस्ट वॉन्ट टू सी द स्टूडेंट. आप बेटा अपनी स्क्रीन शेयर करवाइए स्टूडेंट. Share your screen to me, both of you. अच्छा जी, हेलो हसन. जी जी ठीक हो गया हसन बेटा, आप तो क्लियर हो गया. ओके, डायफ्राम इज अ कर्टन लाइक स्ट्रक्चर. हेलो. जी जी आमना, सॉरी फातिमा. इट्स ओके. बात कर रही है आपकी आवाज कट रही है. जी अब आपको कैसी आ रही है आवाज? यस सब क्लियर है, पहले नहीं आ रही थी. अच्छा जी, स्क्रीन शेयर आपने ऑन शेयर. बेटा स्क्रीन शेयर रखें दोनों स्टूडेंट्स. ओके जी, डायफ्राम इज अ कर्टन लाइक स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी विद द एब्डोमिनल कैविटी. अच्छा जी, what is this next term? This is pleural membrane. क्या नाम है इसका फातिमा, बोलें, रिपीट करें. Miss pleural membrane. Pleural membrane. Pleural membrane actually lungs के इर्द गिर्द होती है, ठीक है. This membrane is around the lungs. और इसकी मैं आपको पिक्चर शेयर करती हूँ. अच्छा ये बच्चों की स्क्रीन के नीचे, यस आप देख सकते हो प्लूरल मेम्ब्रेन. यहाँ पर आप देखें कि इट हैज टू पार्ट्स, टू लेयर्स, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन. यानी कि जो लिवर है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो लिवर है वो कवर हुआ हुआ है. इट हैज टू पार्ट्स, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन ये वाली रेड वाली, और इनर जो है वो ब्लू कलर में है, ठीक है. और इन दोनों के सेंटर में ये जो व्हाइटिश पोर्शन है यहाँ में एक फ्लूइड फिल हुआ हुआ होता है, इसमें एक लिक्विड सा होता है जो कि इस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है. मतलब इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ना इजीली स्ट्रेचेबल है. ऑब्वियसली जब लंग्स में हम लंग्स में हवा को भरेंगे, जब हम हवा इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, लंबा सा खींचते हैं सांस, तो लंग पोर्शन जो है वो हवा से भर जाएगा, फिल अप हो जाएगा, जस्ट लाइक अ बलून, ठीक है. तो जब ये बलून की तरह फिल अप होगा ना तो इसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होके खुल जाएगी, बड़ी हो जाएगी साइज में. तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए अल्लाह ताला ने ये सिस्टम दिया हुआ है कि इन दोनों मेम्ब्रेन्स के सेंटर में एक फ्लूइड सा भरा हुआ है जिसकी वजह से ये इजीली स्ट्रेच भी हो जाती है, और अगर साइज छोटा करना हो लंग्स का तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है. ठीक हो गया. ओके मिस, इसका साथ कोई रिलेशन लिवर के साथ भी है? बेटा लिवर के इर्द गिर्द ही तो है ये मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन. लिवर को इस मेम्ब्रेन ने पैक किया हुआ है हर तरफ से. ओके ठीक है ठहरे मैं आपको बताती हूँ ना. ये देखिए नेक्स्ट में पिक्चर में ये जो लिवर है पूरा, तो ये लिवर के इर्द गिर्द हर तरफ से इस लिवर को इस मेम्ब्रेन ने पैक किया हुआ है. ओके मिस, ठीक है. जैसे शॉपिंग बैग होता है एक ना, कवरिंग सी है, इट्स अ कवरिंग ऑफ लिवर. और इसकी टू पार्ट्स बताए मैंने, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है. और इसके सेंटर में अभी क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है कि हाउ प्लूरल मेम्ब्रेन स्ट्रेच, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा कि इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसकी हेल्प से ये स्ट्रेच होती है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अच्छा जी, अब ये तो आप मुझे बताएं ब्रीदिंग कैसे करते हैं आप लोग. जी आसान बेटा, इफ यू हैव सेट योर हेयर्स नाउ आंसर मी.
चले बताइए ब्रीदिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं जब हम सांस लेते हैं? मिस ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। वेरी गुड, ऑक्सीजन अंदर जाती है जब हम सांस खींचते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर विद इन फ्यू सेकेंड्स ऐसा बायोकेमिकल चेंज आता है कि ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ऐसे ही है ना? ठीक है, तो अब इसमें हो सिंपल, अभी तो हम इसकी सिंपल, हेलो जी, अब हम इसमें, और ये ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कैसे कन्वर्ट हो रही है, किस स्टेज पर जाकर ये गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं एक दूसरे से? मिस लास्ट वाला पार्ट जी, एल्वियोलाई वाले स्टेज पे। एल्वियोलाई, वेरी गुड, जब एयर लंग्स में पहुंचकर एल्वियोलाई की स्टेज पर पहुंचती है, बिल्कुल एंड वाला उसका जो पार्ट है, वहां पर जाकर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन गैस ब्लड में चली जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड गैस सारी एल्वियोलाइज में वापस आ जाती है और वहां से फिर वो दोबारा अपना जो है वापसी का स्टार्ट कर देती है सफर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ओके, इसमें टू टर्म्स आ जाएंगी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, फर्स्ट है इंस्पायरेशन और इनहिलेशन, जिसमें हम बोलेंगे सांस को अंदर खींचना, और दूसरा पार्ट है इसका एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, जिसमें हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें होगा क्या, मैं अब हम इसको देखेंगे कि ब्रीदिंग हो कैसे रही है। अब आप इन पिक्चर्स को नोट करें, इन इंस्पायरेशन जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो रिब्स की क्या पोजीशन होगी और डायफ्राम की क्या पोजीशन होगी, ये एक पिक्चर है, ये इंस्पायरेशन की पिक्चर है जब आप सांस अंदर खींच रहे हो, और जो सेकंड वाली है ये एक्सपायरेशन की पिक्चर है। ठीक है, इसमें सांस बाहर है। डिफरेंस क्या नजर आ रहा है इन दोनों पिक्चर्स को देख के, हसान बता सकते हैं व्हाट यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स? मिस फर्स्ट वाले में लंग्स थोड़े पंप हुए हैं और सेकंड वाले में नहीं। हसान इज म्यूट, हसान आपकी आवाज नहीं आ रही, ठहरे मैं चेक करूं कहीं आप म्यूट तो नहीं हो गए। यस, ये हुआ है, म्यूट हुआ है। यस मैम, उसके अंदर जो लंग्स है मैम वो स्ट्रेच हुए हैं। जी, लंग्स जो हैं वो स्ट्रेच हुए हुए हैं। फातिमा कैन यू हियर मी? हां यस मिस। ओके ओके, लंग्स एक तो स्ट्रेच हुए हुए हैं इस पिक्चर में, सेकेंडली रिब्स का साइज आप देखो इस पिक्चर में, रिब्स का साइज काफी स्ट्रेचिंग पोजीशन में है, रिब्स भी स्ट्रेच हुई हुई हैं, और ऑब्वियसली रिब्स स्ट्रेच हुई हैं और लिवर जो है, सॉरी लिवर कह रही हूँ, लंग्स वो भी स्ट्रेच फॉर्म में है, और जो इसका डायफ्राम है वो भी स्ट्रेच्ड कंडीशन में है ऊपर की तरफ, ये देखें ऐसे स्ट्रेच होके ना नीचे फैल, नीचे की तरफ गया हुआ है, बड़ा हुआ हुआ साइज में। ठीक है, तो डायफ्राम भी स्ट्रेच्ड है, रिब्स स्ट्रेच्ड है, इसकी वजह से क्या होगा कि चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। जब किसी एरिया का साइज बड़ा होता है ना तो एयर प्रेशर लो हो जाता है, एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम सांस अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि अंदर का एयर प्रेशर बैलेंस हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जी, और जब हमने सांस बाहर निकालना होगा तो जो रिब्स हैं वो भी रिलैक्स करेंगी, डायफ्राम भी वापस रिलैक्स करेगा और अपनी ओरिजिनल जो डोम लाइक इसकी पोजीशन है, डोम की तरह जैसे गुंबद नहीं होता ऊपर को उठा हुआ, ये इस पोजीशन में आएगा। ठीक है, ये भी रिलैक्स कर देगा, रिब्स भी रिलैक्स करेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी का साइज स्क्वीज हो जाएगा और लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो अंदर की हवा है वो दोबारा से बाहर निकल जाएगी, यानी कि एक्सहेलेशन हो जाएगी। ओके मिस जी, हसान यू गेट दिस पॉइंट? यस मिस। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जब हम सांस खींचते हैं तो हमारी बॉडी का जो एयर प्रेशर है वो कम हुआ हुआ होता है, तभी हम सांस अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, ताकि उसको हम बैलेंस कर सकें, और जब उसके बाद जब हमने सांस बाहर निकालना होता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है, तो इसलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक हो गया,
ये आसान स्ट्रेचिंग कौन से पोजीशन में होगी, इंस्पायरेशन में होगी या एक्सपायरेशन में होगी? इंस्पायरेशन में होगी। सॉरी, इंस्पायरेशन में स्ट्रेचिंग होगी। किन किन ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग हो रही है? डायफ्राम और रिब्स की। वेरी गुड, डायफ्राम और रिब्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। और जबकि जो रिलैक्स हो रहे हैं यही दो ऑर्गन्स रिलैक्स हो जाएंगे एक्सपायरेशन। ठीक हो गया, ये अब आपका टॉपिक कवर हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लास्ट पैराग्राफ में कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है? ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मीनिंग जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे नर्वस सिस्टम से। हमारी बॉडी में बहुत से एक्शंस ऐसे हैं जो कि हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से एक्शंस ऐसे हैं जो कि हम अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं करते, वो होते ही रहते हैं। ठीक है, इन एक्शंस को बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, एग्जांपल कोई दे सकते हैं इनवॉलंटरी एक्शन? तो एक तो ये ब्रीदिंग आ गई ना, कि ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी एक्शंस। अगर हम सो भी रहे हों तो हम सांस लेते रहते हैं। स्वेटिंग, यस, स्वेटिंग इज इनवॉलंटरी एक्शन। वेरी गुड जी, हां, हार्ट बीट, वेरी गुड, हार्ट बीट इनवॉलंटरी एक्शन है। इसके अलावा बॉडी में बहुत से हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस में, यूरिनेशन का प्रोसेस है, यूरिन मेकिंग का, है ना? ऑल दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस। लेकिन वॉलंटरी एक्शंस की आपको एग्जांपल दे दें, यूरिन तो बन जाता है तो हम उसको बॉडी से आउट कब करते हैं? जब हम चाह रहे हों, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. तो हमारा जो वॉलंटरी एक्शन है वो एक्शन होगा जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे बात करना चाहते हैं तो बात करते हैं वरना नहीं करते। ठीक हो गया, तो ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, कि हमारी जो सांस लेने का प्रोसीजर है वो रिलेट किससे करता है? बॉडी की कंसंट्रेशन पे, कि कितनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। ऑब्वियसली क्योंकि ये गैस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, नुकसान देती है, अगर इस गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में तो फिर हमें क्या करना होगा? इसको आउट करने के लिए सांस की जो स्पीड है, सांस लेने की स्पीड, उसको बढ़ाना होगा। ऐसे ही है कि नहीं? और ये तब होता है जब हम या तो कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल्स में ना ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसीजर है वो तेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको बाहर आउट करने के लिए फिर हम तेज तेज सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तेजी से अंदर जाएगी और वो न्यूट्रलाइज करेगी, जी, और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। The rate of breathing is controlled by respiratory center in the brain. यानी कि brain ये सारी चीजें control करता है। और respiratory center is sensitive, very sensitive to concentration of carbon dioxide. और ये normally हम जो सांस लेते हैं, breathing है वो हमारी, वो normally per minute कितनी होती है? 16 to 20 minutes, 20 times एक minute में normal जो अगर हम बैठे हैं। लेकिन अगर हम कोई हार्डवर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा और वो 30 to 40 टाइम्स हो जाएगा पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है, व्हाई और ब्रीदिंग प्रोसीजर एनहांसेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसकी रीजन आपने ये वाली देनी होगी। ये आपके लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर जो है ना वो आप यहाँ से निकालो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक सब क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स? यस यस। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज आ गई, प्रैक्टिकल वर्क है, देन मूव ऑन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर अब आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर? It's an English word. Order तो होता है ना, कोई चीज बड़ी तरतीब से है, बड़ी smoothly वो perform हो रही है, तो disorder उसका opposite होगा। Yes, ma'am. जी, out of order.
जी आउट ऑफ ऑर्डर, जब भी कोई प्रोसीजर जो है या कोई प्रोसेस जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम बोलते हैं जी डिसऑर्डर में हो गया। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा कि हमारी बॉडी में जो सांस लेने का जो प्रोसीजर है और इसके अलावा जितनी भी ये केमिकल चेंजिंग्स हो रही हैं बॉडी में ड्यू टू ब्रीदिंग, अगर वो सारी खराब हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाएंगी। और पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से हवा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, इसलिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। और आजकल तो वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ रहे हैं जी। आसान ऐसा है ना, आजकल कौन सा वायरस है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ हुआ है? कोरोना मैम। कोरोना वायरस है और ये बहुत ज्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर रहा है। सार्स की जो जी सार्स की जो बीमारी है, जो डिजीज है, सार्स मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सिंड्रोम मींस उसके अंदर शदीद बीमारी पैदा कर देता है ये, ठीक है, एक्यूट बीमारी पैदा कर रहा है सार्स। तो ये कोरोना की वजह से। ओके, आपकी बुक में जितनी इसमें बुक में जितनी भी डिजीजेस के नाम दिए गए हैं, फर्स्ट वन है इज ब्रोंकाइटिस, सेकंड वन इज एम्फिसीमा, थर्ड इज नमोनिया, फोर्थ इज एस्मा। इसको आपने एस्मा पढ़ना है, एस्थमा नहीं पढ़ना, ठीक है? कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप इसे? एस्मा। एस्मा। एंड द लास्ट वन इज लंग कैंसर। ये तो बिल्कुल ही लंग कैंसर तो नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज समझ लें आप कि लंग का कैंसर हो गया, तो वो तो फिर समझे लंग्स आपके बिल्कुल खराब हो चुके। ओके, वन बाय वन अब हम इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखेंगे। आज हम जस्ट ब्रोंकाइटिस को कवर करेंगे ड्यू टू द टाइम मैनेजमेंट। अच्छा जी, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं बॉडी बार बार रिपीट होगा। अब लंग का स्ट्रक्चर में बेसिकली दो तीन ही आपको पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो ट्रेकिया है ना, जो विंड पाइप है, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू, यस मिस, टू पार्ट्स जी, ब्रोंकाई, वेरी गुड, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू मेनी ब्रांचेस, उन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स जी। एहसान आप भी साथ ही बेटा इसको जरा गो थ्रू कर लेंगे, कल का लेक्चर है बेसिकली। ओके मैम। विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकाई, और एक जो है ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में चला जाता है, दूसरा ब्रोंकाई राइट लंग में एंटर राइट। तो ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस नोन एज ब्रोंकियोल्स, ठीक है? सारी बातें जब डिवीजन होगी ब्रांचेस की तो उनका साइज भी ट्यूब्स का बारीक होता चला जाएगा, है ना? Yes, तो ये जो ब्रोंकियोल्स हैं दे फर्दर डिवाइड्स इनटू एल्वियोलाई। तो अब जो ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज है ये रिलेट करती है आपके इन ट्यूब्स के साथ, जिसमें क्या होगा कि जो ब्रोंकियोल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी ना किसी वायरस की वजह से, या कोई बैक्टीरिया बॉडी पे हिट करता है, या कोई आप किसी ऐसी जगह पे सांस लेते हो जाके जहाँ पे कुछ केमिकल्स मौजूद हैं, जैसे अक्सर होता है ना बड़ी स्मेली सी जगह होती है जहाँ पे बड़ी ज्यादा स्मेल है, या किसी केमिकल फैक्ट्री में आप चले गए हो तो वहां पर आपको तेज खुशबू आई है, अजीब सी स्मेल है, तो वो जो स्मेली एरिया होगा जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं उनके वजह से जो ब्रोंकियोल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन का, इन्फ्लेमेशन मींस स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग जी। अब स्वेलिंग हो जाएगी तो ट्यूब्स जो हैं उनका साइज पहले से बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? बड़ा। नहीं बेटा, स्वेलिंग तो हो गई लेकिन ट्यूब का जो साइज है ना अंदर से वो कम हो जाएगा, कम हो जाए। हाँ, जैसे पाइप तंग हो जाता है अक्सर, जैसे सेवरेज का गटर बंद हुआ होता है तो उसके अंदर गंद फंसा होता है ना, तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तभी तो उसमें से पानी नहीं क्रॉस करता। हाँ जी, तो यहाँ पर ब्रोंकाई में क्या होगा कि जब ब्रोंकाई जो है इनकी स्वेलिंग हो जाएगी तो इनकी ट्यूब्स का साइज वैसे तो स्वेल हो चुके हैं, और स्वेल क्यों हो रहे हैं, उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, म्यूकस इज अ स्लाइमी लिक्विड, स्वेलिंग की वजह से उसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा,
जिसकी वजह से इसके ट्यूब का साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा और उसमें से सांस जो हवा गुजर रही है, एयर पास हो रही है, उसको डिफिकल्टी होगी पास होने में, तो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है ना जी? ओके मिस जी, तो ये दिस इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। आइटिस का वर्ड जब भी आता है ना किसी भी डिजीज के साथ, इसका मतलब है उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई है। जैसे अक्सर ऑर्थराइटिस का वर्ड हम सुनते हैं, टॉन्सिलाइटिस का वर्ड सुनते हैं, टॉन्सिल्स हुए होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स मींस गले की स्वेलिंग हो गई है, तो आइटिस मींस स्वेलिंग ऑफ दैट ऑर्गन। और इसकी वजह क्या होगी कि इसमें वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई केमिकल जो है वो बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा जी, अब इसकी टाइमिंग जरा मैं चेक कर लूँ, व्हाट इज द टाइम? 7 minutes. 7 minutes are left. Okay. अब इसके आगे से टू टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की। जी, इसकी टू टाइप्स हैं, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड द सेकंड वन इज क्रॉनिक। जी, अब जो एक्यूट होती है, एक्यूट का मतलब होता है बड़ी ही सीवियर किस्म की, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks, यानी कि ये 2 हफ्ते के लिए रहता है, होता बड़ा तेजी से इसका इफेक्ट है, मतलब बॉडी पे तेजी से ये इफेक्ट करता है, लेकिन रहता 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते रहता है, और इसके बाद ये क्योर हो जाता है, रिकवर कर जाता है बंदा, और इसमें कोई ऐसा परमानेंट डैमेज नहीं होता बॉडी को, ठीक है? और ब्रोंकायोल्स और ब्रोंकाई को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता एक्यूट में, होता तेजी से, जैसे तेजी से इफेक्ट हुआ और फिर तेजी से ही वापस चला गया। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या हो रहा है कि ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा है, ये जब स्टार्ट होता है तो मंथ, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और डिपेंड करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की फिजिकल कंडीशन पे, उसकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। अगर इम्यूनिटी कम है तो क्या होगा कि ये 1 साल 2 साल तक भी चल सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इसमें ड्यूरेशन का डिफरेंस है, होगा दोनों में यही इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, लेकिन जो एक्यूट है वो 2 weeks के लिए रहेगा और जो क्रॉनिक है वो उसका ड्यूरेशन ज्यादा। जी देखिए ना, 2 साल तक भी कोई बंदा जो है वो इसमें रह सकता है, और फिर बार बार वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उसको खांसी आएगी और उसको तकलीफ होगी रेस्पिरेशन में। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, अब जिसको ये ब्रोंकाइटिस होगा उसमें क्या क्या, उसमें इलामतें नजर क्या आएंगी? कफ उसे महसूस होगी, खांसी, माइल्ड वीजिंग, माइल्ड वीजिंग में सांस लेने में आवाज आएगी, सांस लेंगे ना तो जैसे आवाज आ रही है, फीवर, बुखार महसूस होगा, चिल्स, ठंड लगेगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस उसका छोटा छोटा होके आएगा, वो कम ऐसे खींच के मुकम्मल सांस नहीं ले सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक हम करते हैं इंशाल्लाह कवर, इसको आप होमवर्क आज का नोट कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, डेली जो होमवर्क अब मैं दूँ आपको, बेशक थोड़ा सा ही मैं दूँ, डेली इतना ज़्यादा मैं रिटर्न वर्क तो नहीं आपको दूंगी, बट यू हैव टू डू सम डायग्राम्स। जैसे कल मैंने फातिमा आपको होमवर्क दिया था, पता नहीं आपने मुझे सेंड ही नहीं किया, आपने जो भी होमवर्क होगा यू हैव टू व्हाट्सएप मी ऑन योर ग्रुप। ओके मिस, ओके मिस, मैंने कल आपको डायग्राम जी हसन बेटा कल की डायग्राम है, पेज नंबर एक पेज नंबर 3 पे डायग्राम थी, 10.1 इसको मार्क कीजिए, देन पेज नंबर 5 पे डायग्राम है, इसको मार्क कीजिए, यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। अच्छा जी, और आपने एक थोड़ा सा रिटर्न वर्क भी करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अब स्टार्ट हुए हैं तो आप ब्रोंकाइटिस के ऊपर नोट लिखेंगे, राइट नोट ऑन ब्रोंकाइटिस। ओके मिस, और ये रिटर्न वर्क मैं आपको डेली नहीं दूंगी, कभी कभार वीकली वंस आपको रिटर्न वर्क आएगा, डायग्राम्स की प्रैक्टिस मैं जरूर देती हूँ ताकि आपको डायग्राम्स, क्योंकि ये जो एयर पैसेज वे है, जी एयर पैसेज वे है ना जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि एयर पैसेज वे के जितने भी ये सीक्वेंस है इसको आप लिखें,
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये ड्रॉ करवाना दे रही हूँ कि आपको इसकी लर्निंग हो जाए. ओके मिस. एंड कल भी आपकी क्लास स्टूडेंट्स मेरे साथ, तो आपने ये आज आज मतलब शाम रात तक आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा. आई विल चेक इट, मतलब देखना ही होगा, और मैं अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक विद इन वन और टू मिनट्स क्लास विल बी ओवर. यस प्लीज. और इफ यू हैव सम क्वेश्चन हसन बेटा, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर पूछ लिया करें. ओके मैम. चले जी. ओके बेटा, आई थिंक टाइम इज अप. ओके, अल्लाह हाफिज़.